हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में किसी भी कारण से नुकसान हो गया है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा मौका है। लेकिन किसान भाइयों, मौके का फायदा उठाने के लिए समय बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आ चुकी है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में किसी भी कारण से नुकसान हो गया है तो आपको ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन के माध्यम से गिरदावरी करने के लिए आवेदन करना होगा और गिरदावरी के माध्यम से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, आपको तो पता ही है, अगर आपकी फसल में किसी भी कारण से नुकसान हो जाता है, चाहे आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमे के लिए भी आवेदन नहीं कर रखा, फिर भी आपको हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा बीमा पोर्टल के माध्यम से ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन से आपको मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार पोर्टल को ओपन करती है और आप मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर जाकर ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन से अपनी फसल की विशेष गिरदावरी करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसे ही आवेदन पटवारी कानून को और तहसीलदार को प्राप्त होता है, वह आपकी फसल की विशेष गिरदावरी करते हैं और गिरदावरी के दौरान जितनी भी फसल आपकी खराब पाई जाती है उसका आपको मुआवजा हरियाणा सरकार दे देती है, आपके खाते में भेज देती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें इसका आवेदन कैसे करना है विशेष गिरदावरी करवाने के लिए, ताकि हमें उचित मुआवजा मिल सके। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो मुआवजा आपको मिलता है वो प्रति एकड़ 15,000 रुपए आपको दिए जाते हैं। अब जितना भी कम आपकी फसल में नुकसान हुआ होगा उस हिसाब से ही आपको कम मुआवजा मिलेगा, और अगर आपकी फसल में पूरा नुकसान हो गया होगा तो आपको प्रति एकड़ 15,000 रुपए दे दिए जाएंगे, आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों, अब आपको आवेदन कैसे करना है तो उससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसान भाइयों, जब भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल में नुकसान हुआ था, सरसों की फसल में नुकसान हुआ था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो के माध्यम से अब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। किसान भाइयों, आप किसी भी ऑप्शन को भर सकते हैं। अगर आपके जिले या गांव में बाढ़ आई थी तो आप बाढ़ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके गांव में जल भराव हुआ है खेतों में तो आप जल भराव के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी हमारे खेतों में जल भर गया है और उसके कारण फसल खराब हो गई है, या फिर आपके गांव में भारी बारिश आई थी जिसके कारण आपकी फसल नष्ट हो गई है, या फिर आपके गाँव में बारिश नहीं आई जिसके कारण आपकी फसल सूख गई, या फिर आपके यहाँ कीटों का हमला हुआ है किसी भी कारण से, कीट हमले के माध्यम से यह कीड़ा आपकी फसल में लग गया है जिसके कारण आपकी जो फसल है वो खराब हो गई है, तो अब आप ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि आपको मुआवजे के लिए आवेदन कैसे करना है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, अंतिम तिथि रखी गई है, वो दोस्तों कल की है, यानी 25 अगस्त है। जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए, आज का और कल का ही आपके पास समय है, केवल 2 दिन है, आज ही आप अपने फोन से आवेदन कर लीजिए या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन करवा दीजिए, ताकि आपकी अगर फसल में नुकसान हुआ है तो आपको नुकसान की चिंता न हो और आपको कुछ हद तक मदद मिल पाए। तो धन्यवाद किसान भाई, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।